जी नमस्कार, अभी हम आए हुए हैं सीटेट एग्ज़ाम सेंटर पे, और इस एग्ज़ाम सेंटर या कॉलेज का नाम है, क्या नाम है सर? हम तो ध्यान नहीं दिए। कैंडिडेट से नाम पूछते, कुछ इधर कैंडिडेट है जो इनसे नाम पूछते हैं। कौन सा सेंटर है? सत्येंद्र किशन एजुकेशन कॉलेज। अच्छा, चलिए, तो यहाँ पे आए हुए हैं और कुछ विद्यार्थी है जो कि अभी एग्ज़ाम देने के लिए एंट्री करेंगे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि एंट्री अंदर कर चुके हैं, एंट्री हो भी रही है। क्या इस बार का कैसा तैयारी रहा? अच्छा तैयारी है सर। अच्छा है जी। तो क्या इस बार सीटेट क्वालिफाई होगा? आसानी से हो जाएगा। चलिए, सभी लोगों को, सीटेट अभ्यर्थियों को बेस्ट ऑफ लक। और सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। कुमार। कहाँ से हैं आप? सीवर डिस्ट्रिक्ट से। तो ये तो मुजफ्फरपुर में एग्जाम आपका है ना? जी सर, जी। सेंटर कहाँ चूज किए थे? सत्येंद्र किशन, सर बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार था। अच्छा, यानी पहले आए, पहले रजिस्ट्रेशन किए थे? जी जी जी, पहले आप पहले पाओ के तहत हमने मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया था, जिसके अंतर्गत सत्येंद्र किशन कॉलेज में मेरा सेंटर। अच्छा, तैयारी कैसा है? तैयारी सर है ऐसा कि क्वालिफाई कर जाएंगे। क्वालिफाई कर जाइएगा। कितना नंबर का एग्जाम होगा? 150 नंबर का एग्जाम। 150। क्वालिफाई करने के लिए कितना चाहिए सर? वो कैटेगरी वाइज है, जैसे कि जनरल के लिए 90 चाहिए और ओबीसी के लिए 82 चाहिए। जी 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 सर। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इनसे बात करते हैं, और एंट्री के लिए यहाँ एक पर्चा चिपकाया गया है। देखिए, यहाँ फर्स्ट शिफ्ट का से एग्ज़ाम चल रहा है और यहाँ पर एक पर्चा चिपकाया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं और इस पर्चा में अपना रोल कोड, रोल नंबर, ये सब है, देख सकते हैं। और बच्चे एंट्री भी करेंगे। तो आज 29 दिसंबर को सेकंड एग्ज़ाम कहिए, आज दूसरा दिन है एग्ज़ाम का। तो कुछ अभ्यर्थी है, क्या आप एग्ज़ाम देने आए हुए हैं? जी नहीं, हम छोड़ने आए हैं। ओ, गार्जियन है आप? जी। ओ, आप एग्ज़ाम देने आए हैं? नहीं नहीं, हम एग्ज़ाम दिलवाने आए हैं। दिलवाने आए हैं। आप कैसा रहा तैयारी इस बार, कुछ बोलिए? नहीं नहीं, बोल तो दीजिए कुछ। तैयारी कैसा है बता दो। ठीक है, अच्छा है। चलिए, बोलने से हिचकिचा रहे हैं, तो देखते हैं कुछ और लोग हैं, उन अभ्यर्थी से मिलते हैं और कैसी तैयारी है। क्या कर रहे हैं भैया? बस डिक्लेरेशन फॉर्म डाल रहे हैं। और डिक्लेरेशन फॉर्म डाल रहे हैं ना? ओ, दो गो है ना, एक एडमिट कार्ड और एक डिक्लेरेशन फॉर्म है। चलिए, उसको खुद से फिल करना है। अच्छा है, कैसा तैयारी रहा इस बार? बढ़िया रहा। बढ़िया तैयारी रहा। चलिए, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, बढ़िए और अंदर जाइए। जी जी, अच्छा एग्जाम करके क्वालिफाई करके आइए। जी जी, धन्यवाद। चलिए, कुछ अभ्यर्थी और है जो इनसे बात करते हैं। क्या एग्जाम आपका यही है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, 29 दिसंबर आज ही है ना? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो कहाँ से हैं आप? मैं वैसे देहरादून से हूँ, बट मैं मधुबनी से आई हूँ, झंझारपुर। ओ, झंझारपुर से। सेंटर मुजफ्फरपुर ही चूज किया था? हाँ, तभी तो आऊँ। अच्छा अच्छा, तो कैसा तैयारी है? तैयारी बहुत अच्छी है। अच्छी है। और क्या आने में कोई कठिनाइयाँ हुई है क्या रास्ते में? बिल्कुल, मौसम जिस तरह ठंड है तो मुझे एक दिन पहले आना पड़ा, इस वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हुई है। ओहो, कुछ कहा जा सकता है कि किस्मत और लकीर में, किस्मत और लकीर में कुछ अच्छा सोचो और कुछ अच्छा ना मिले तो कुछ अच्छा होगा नसीब में। फिलहाल किस तरह की तैयारी है, तो कुछ अभी क्या क्या लेकर आए हैं? जो भी रिक्वायरमेंट्स है, एडमिट कार्ड, अपना हैंड सैनिटाइजर, मास्क और पेन, और यही सब सामान। एडमिट कार्ड, ये सब है ना? फोटोग्राफ्स। आपका भी एग्जाम है भैया? हम साथ में। अच्छा अच्छा, आप गार्जियन है? हाँ। चलिए, गार्जियन कैसा फील हो रहा है एग्जाम सेंटर पे? बढ़िया, एग्जाम सेंटर तो एग्जाम का मजा ही कुछ और है। अच्छा, बिना मेहनत के एग्जाम एकदम से, और मेहनत करके साथ जो सफलता मिलती है, ठीक है। और कहा जाए कि मेहनत आराम से करो कि सफलता जो शोर हो जाए। जरूर जरूर। इसलिए चलिए, बहुत अच्छा, सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑल द बेस्ट। आप सबका एग्जाम दीजिए, अच्छे से पास होइए, सीटेट क्वालिफाई करिए, और हमारा देश का जो है न्यू जो टीचर जो होता है, न्यू निर्वाक रहता है, तो उसमें योगदान करिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कहाँ से भैया? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से, कौन से जगह? मुजफ्फरपुर, कच्ची पक्की। कच्ची पक्की से। हाँ। तो सीटेट एग्ज़ाम देने आए हैं? हाँ। आप अभ्यर्थी हैं? हाँ। ओ, एंट्री कब करना है? गेट खुलेगा तो एंट्री होगा। नहीं, एंट्री तो हो रही है, लेकिन डिक्लेरेशन फॉर्म भर लिया? अभी नहीं भरे। नहीं भरे, तो उसको भर लीजिए। और कैसी है तैयारी? बहुत अच्छा है।
चलिए आप लोग एग्ज़ाम दे के निकलिए, तो उसके बाद हम आप लोगों से बात करेंगे और किस तरह का क्वेश्चन रहा। सबसे पहले पूरा ऑल सी टेट सीडीपी ईवीएस मैथ, उसके बाद हिंदी इंग्लिश सब का एनालिसिस आपको सबसे पहले मिलेगा। और इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और पूरे बिहार का एग्ज़ाम सेंटर होगा, वहाँ से हम आपको लाइव रिपोर्टिंग दिखाएंगे। तो फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ। धन्यवाद।